ये देखो भाई, ये है बरगद का पेड़। यहाँ पे काफी लोग खड़े होकर ना फोटो करवाते हैं। पूरी फैमिली येलो कलर के कपड़े पहन के आए हैं। मंदिर के ना बिल्कुल पास में आ चुके हैं। अब जाके पता लगा लाइन लगी हुई है भाई। इतने प्यारे दर्शन हुए गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। माता रानी जी ने भी हमारी ना परीक्षा ली है। तो भाई इस दुकान से ना इस सर पे ना बांधने के लिए जय माता जी का ना पटका ले लिया भाई। लुक एट दिस गाइस, कितनी भीड़ है भाई आज। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो भाई अभी सीना से फिलहाल टाइम हो चुका है भाई, 2:30 बज चुके हैं दोपहर के। मस्त ऊपर आ चुका हूं भाई इस व्यू के साथ में, ताकि व्लॉग का इंट्रो कर सकूं। एंड गाइस मस्त नहा धो के रेडी हो चुके हैं, फिलहाल निकल रहे हैं भाई माता रानी के मंदिर में। बिकॉज लास्ट टाइम हम जब दर्शन करने गए थे ना, तो भाई अचानक चले गए थे। सो अपना प्रॉपर तैयार श्यार होके मस्त अंदर से आपको डिटेल में दिखाएंगे एंड अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करवाएंगे भाई हम भी साथ में। गाइस ये भाई हमारे एंड रमन भाई भी है। सो चलो गाइस निकलते हैं। तो गाइज मस्त ना तीनों जने निकल चुके हैं भाई जस्ट अभी धर्मशाला से। इस रास्ते से आएगा अपने माताजी का मंदिर, Day 3 इन चिंतपूर्णी। यहाँ से दर्शन पर्ची मिलेगी, पहले पर्ची ले ले। चलो जब गाइज पहले आए थे ना तो दर्शन पर्ची नहीं ली थी, उसके बिना भी दर्शन हो जाते हैं, बट इस बार आपको दिखाते हैं भाई दर्शन पर्ची लेनी पड़ती है। ये मेन लंगर हॉल है तो यहाँ से मिलेगी। बनाया था ये भी बढ़िया हुआ ना। ये गाइस मेन ना माता मंदिर की जो पूरी चैरिटेबल ट्रस्ट है ना उनका ही है। सामने लिखा भी हुआ है दर्शन पर्ची यहाँ से लेकर ही। अब हमें ये नहीं पता भाई पर्ची मिलेगी किस साइड। चले जा रहे हैं वो भाई गलत आ गए यार। देखो भाई जहाँ से एंट्री की थी ना उसके बिल्कुल बराबर में था, बट हम चले गए आगे। तीनों की एक ही मिली है तो ये लेनी पड़ती है। इसके बिना भी दर्शन हो जाते हैं, बट ये लेना जरूरी होता है बिकॉज इनको भी आइडिया रहेगी कितने लोग आए हैं। चलो वहाँ से भी बाहर आ चुके हैं। और ये देखो भाई ये बिल्डिंग है एंड इधर देखो भाई जो पर्ची है गाइस वो मैं रख लेता हूँ। और गाइस इन बिल्डिंगों की जो रूफ है ना वो भाई कौन शेप में है। और गाइस जहाँ से पर्ची कटती है ना वहाँ से करीबन ना 1.5-2 किलोमीटर दूर है माता जी का मंदिर। बिल्डिंगों के पीछे खाई खाई है रमन। माता के मंदिर में जाते जाते ना ऐसी काफ़ी चढ़ाई आएंगी। ये तो अभी छोटी है। ये देखो गाइज ये धर्मशाला है एंड धर्मशाला के बिल्कुल साथ में है हनुमान जी की मूर्ति। जय श्री राम। और भाई मंदिर जाते जाते ना रास्ते में ऐसी दुकानें आ रही है भाई जो कि मेले में अक्सर होती हैं। अब गाइज मंदिर के ना पास में आ चुके हैं तो अपना क्राउड बढ़ता रहेगा। ये देखो भाई रास्ते में एक और चढ़ाई आ चुकी है। ओ देखो एंड हम नीचे से आए हैं। और भाई चढ़ाई के बिल्कुल साथ में ना यहाँ पे ऐसी ऐसी गलियाँ हैं जो नीचे जाती है और रास्ते में ना ऐसी ना हजारों दुकानें हैं। मंदिर के ना बिल्कुल पास में आ चुके हैं। अब जाके पता लगा लाइन लगी हुई है भाई। लुक एट दिस गाइस, कितनी भीड़ है भाई आज। फाइनली गाइस लाइन में हम भी लग चुके हैं। हमारी लाइन की एंट्री 2 नंबर गेट से होगी एंड बाकियों की भाई सामने से है। मेरे को लगा गाइस हमारी लाइन छोटी रहेगी, ये देखो भाई आगे तक है। भाई करीबन ना 5 मिनट हो चुकी है अब तक भाई लाइन ना जरा सी भी नहीं ली है। नॉर्मल इश्यूज ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहाँ से लेके आए ये भाई, तुम तो बड़ी हैवी ड्राइवर हो यार। हैवी ड्राइवर है भाई ये हिमाचल वाले। जिस क्राउड में भाई लोग नहीं आ पाते बस निकाल के लेके आया है। चलो गाइज गेट नंबर 2 आ चुका है, चेक दिस आउट। अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे मंदिर में। ऑलमोस्ट हमको ना आधा घंटा प्लस हो गया है। और गाइज जो पर्चे ना यहाँ नहीं दिखानी पड़ती, अंदर एक और है सिक्योरिटी चेक वहाँ। 2 नंबर गेट में एंट्री करने के बावजूद भी गाइज अभी भी ना मंदिर थोड़ा सा दूर हो रहा है। तो भाई इस दुकान से ना इस सर पे ना बांधने के लिए जय माता जी का ना पटका ले लिया भाई एंड बांध भी लिया, मैंने भी ले लिया है एंड बाकी रमन ने भी बांध लिया एंड ये भाई बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहा भाई तू बांध। वाह भाई चलो फाइनली भाई तीनों ने बांध लिया है।
चलो भाई हमने ना रिसिप्ट दे दी है जो ली थी, यहाँ से जाना अंदर। तो फाइनली गाइज दर्शन हो चुके हैं भाई, इतने प्यारे दर्शन हुए हैं गाइज, मैं आपको क्या बताऊं भाई साहब, माता को ना बिल्कुल इतने पास से देखा यार, एंड मैं क्या देखते हैं ना, इतना अच्छा लगा भाई कसम से। एंड चेक दिस आउट भाई, ऐसा माहौल है अंदर भाई साहब, यार वो मोमेंट था गाइज कसम से, इतनी भीड़ थी यार, मैं आपको ना माता जी के दर्शन करवा नहीं पाया यार। बट ना एंट्री से पहले ना LED में लाइव दर्शन चल रहे थे, सो मैंने इसकी क्लिप ले ली है, आपने दर्शन कर लिए होंगे गाइज। यहाँ से ना एक नंबर व्यू है, ये देखो भाई बड़ा नजारा है तो यार, यहाँ और भी अच्छा व्यू है भाई। चलो गाइस प्रसाद ले लिया, ये देखो भाई पूरी फैमिली येलो कलर के कपड़े पहन के आए हैं देख लो। एंड कैमरामैन कौन है? रमन दा बोस। तो भाई काफी सारी फोटो खिंचवाने के बाद, अच्छी तरह दर्शन करने के बाद भाई फिलहाल बारी है भाई मंदिर से जाने की। 5:49 हो चुके हैं एंड हम 2:30 बजे निकले थे घर से, कहा था ना भाई 6 बज जाएंगे। जय माता रानी। काफी लोग यहाँ पे फोटो शूट करवा रहे हैं, ये देखो भाई ये है बरगद का पेड़, यहाँ पे काफी लोग खड़े होकर ना फोटो करवाते हैं, और हमें जाना है इस साइड। ये देखो गाइस ये वही रास्ता है जहाँ से हम ना लाइन में लग के आए थे, कोई नहीं है यहाँ पर, इवन गेट के पास भी कोई नहीं है, रश है वो बिल्कुल फ्री हो चुका है, इतनी भीड़ में हमने दर्शन किए है। और जब नीचे आए तो भाई बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी भाई कोई भी नहीं है, मतलब तो दिखे भाई भाई इतने बढ़िया दर्शन हुए मेरे को माता रानी जी के, किस्मत वाले होंगे भाई वो जो मेरे को हुए हैं। क्या ये वही रास्ता जहाँ से हम गए थे भाई? भीड़ बिल्कुल नहीं है भाई, सिंगल पर्सन नहीं दिख रहा इधर, लाइन तो है ही नहीं। हम यहाँ पर ना 10-15 मिनट खड़े रहे थे एंड अब देखो भाई कुछ नहीं है, बोले तो माता रानी जी ने भी हमारी ना परीक्षा ली है नहीं क्या? हाँ भाई, कि ये भीड़ में आ सकते नहीं आ सकते भाई, भीड़ में क्या हम सिरसा से आ गए यार, वैसे आने वाली तो माता रानी है ना। हाँ भाई हमको आने वाले, फिलहाल भाई जा रहे हैं वापस से धर्मशाला में, ये भाई कम्प्लीटली ब्लॉग माता रानी के दरबार का हो गया। तो यार अब देखते हैं भाई जाके क्या सीन है, अब तो जैसे खाना वगैरह खिलाएंगे, शाम का टाइम हो चुका है, तब कुछ ना कुछ स्टार्ट हुआ होगा खाने पीने के लिए। फिलहाल गाइज माता जी के ना मंदिर से आने के बाद ना फिलहाल एक धर्मशाला में आए हैं एंड यहाँ पे ना लंगर चल रहे हैं, आई थिंक ना दही बल्ले बट रहे हैं, सो रमन गया भी लेने के लिए। जी है भाई दही बल्ले, लिटरली गाइज इतने टेस्टी है ना, आपको क्या बताऊँ। ये वाला डिक्लाइन देखो यार, ये देखो। सो भाई धर्मशाला में आ चुके हैं एंड चेक दिस आउट, फिलहाल भाई खाना सर्व कर रहे हैं, मैंने तो खाना खाया नहीं है, बीच में कहीं आया था वहाँ खा लिया थोड़ा बहुत, एंड हल्की हल्की ठंड हो चुकी है, एज यूजल वहाँ पर खाना बन रहा है एंड यहाँ सर्व कर रहे हैं, बस यही है भाई, बस अभी थोड़ी देर में ना रूम पे जाएंगे। सो फिलहाल भाई रूम पे आ चुके हैं, तो यार फिलहाल करते इस ब्लॉग को एंड, ये था आज का ब्लॉग, आई होप क्या ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर कमेंट करना एंड चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब करना। इसके साथ मिलते हैं इस ब्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर, बाय गाइज, बाय बाय। रमन है तेरा जड़ुआ भाई मिल गया, ये रहा भाई तू क्या हंस रहा है, तेरा नीचे वाला है।